अब बात एक ऐसी लुटेरी दुल्हन की जो पहले तो शादी करने के नाम पर घर की रेकी करती और फिर शादी के कुछ दिनों बाद ही घर से माल पर हाथ साफ करके रफू चक्कर हो जाती है। हालांकि अब ये लुटेरी दुल्हन पुलिस के शिकंजे तक पहुंच गई। कौन है दुल्हन, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिख रही इस दुल्हन का नाम राजकुमारी है। ये लड़की टीवी सीरियल लुटेरी दुल्हन और फिल्म डॉली की डोली की तर्ज पर शादी रचाकर अमीर कुवारों को लूटती है। इसने अपना पहला शिकार सागर के अंशुल जैन को बनाया। इसने अंशुल जैन के साथ 12 मई को शादी रचाई और मौका देखकर घर के सारे जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। वहीं 22 मई को राजकुमारी ने फिर से गोटेगांव के दिलीप जैन के साथ सात फेरे लिए, लेकिन वो यहाँ भी ज्यादा दिन नहीं टिकी और मौका पाते ही नकदी और जेवर लेकर चंपत हो गई। लड़की ने ही दो जगह शादी करी है, तो उन्होंने एक्चुअली में हम लोगों के यहाँ भी शादी कर दी और हम लोगों के यहाँ 12 तारीख को शादी हुई, 12 मई को, और 21 मई को इन्होंने दूसरी जगह कर दी शादी। 1,20,000 भी लिए इन्होंने और घर से मतलब जो जेवर वगैरह थे चढ़ाई के, तो वो सब भी ये लेके। बिचौलिए की मदद से जिस घर में राजकुमारी की शादी करवाई जाती थी वहाँ पहले मुलाकात के बहाने घर की रेकी की जाती थी और लड़के के परिवार पर जल्द शादी का दबाव डाला जाता था। शादी के बाद राजकुमारी ससुराल वालों का विश्वास जीत कर चहेती बन जाती और मौका देकर पूरे माल पर हाथ साफ कर गायब हो जाती थी। लड़की ने पहले भी गई शादी की, उसके बाद वो चली गई और उसने दोबारा आवेदन से घाटावारा में शादी की। आवेदन पत्र उन्होंने दिया है, अब उसमें जो भी फैक्ट है उसको वेरीफाई करा के उसमें वैधानिक कार्रवाई करें। इस राजकुमारी को ध्यान से देख लीजिए, ये लुटेरी दुल्हन अब तक दो लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। बिलासपुर से श्याम पाठक, टीम न्यूज़ नेशन।